आई एवरीबडी वेलकम टू अभिमन्यू आई ए एस इंडियाज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेरा नाम है मनिंदर एंड आई एम पंजाब पी सी एस रैंक थर्टी सिक्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ए सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई ए एस फॉर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉन्सेप्ट इन जनरल स्टडीज़ इसी सीरीज़ की कंटिन्यूशन में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन इन इको सिस्टम्स ये सीरीज़ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मन आई पिछले 23 थ्री ईयर्स में से ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा सिलेक्शंस दे चुका है इंक्लूडिंग टॉपर्स इन स्टेट सिविल सर्विसेज एंड अदर यू पी अगर आपको हमारा अपकमिंग बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने फ़ोन नंबर दिया हुआ है आप उस फ़ोन नंबर पे रजिस्टर करवा सकते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल अडेप्टशन इन इकोसिस्टम्स तो जैसे स्टूडेंट्स आप सब लोगों को पता होगा कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था चार्ल्स डाविन और चार्ल्स डाविन ने एक सर्वाइवल ऑफ़ द फिटनेस का कॉन्सेप्ट रखा था जब उन्होंने एक किताब लिखी थी एक बहुत ही हिस्टोरिक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के अंदर और उन्होंने ये बात बोली थी कि सर्वाइवल हमेशा फ़िट का होता है यानी कि अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में बहुत ऐसे एनिमल्स uh, ऐसे फ्लोरा ऐसे फौना आए जो एक्सटिंक्ट हो गए जो सर्वाइव नहीं कर पाए और जो सर्वाइव कर पाए वो कौन थे वो वो थे जो फिट थे और क्वेश्चन ये सबसे बड़ा आता है कि फ़िट क्या कौन होता है हु इज़ द फिट पर्सन तो फिट वो होता है जो अडेप्ट कर जाए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डाविन फिटनेस इज़ रिलेटेड टू अडाप्टन अगर आपके पास यू नो सिचुएशन बदल रही है और आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे लेकिन अगर सिचुएशन बदल गई है और आप अडेप्ट कर गए उस चीज़ के यू नो टूवर्ड्स तो आप जो है वो फिट की कैटेगरी में आ जाओगे और आप सर्वाइव कर जाओगे तो इसी कंसेप्ट के अंदर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज का टॉपिक करेंगे अडेप्टेसन इन यू नो इको तो अडेप्टेशन की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं द प्रोसेस विच एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू देयर एन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर सर्वाइवल तो आप देख रहे हैं पोलर बेयर अब पोलर बेयर और पेंगुइन इन दोनों की जो कंडीशन हैं काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन हैं पोलर बेयर जहाँ पर वो स्टे कर रहे हैं वहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्परेचर्स रिड्यूस हो जाते हैं आर्कटिक एंटार्टिका के अंदर लेकिन उन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी पोलर बेयर एंड पेंग्विन आर एबल टू तो सर्वाइव ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेजर्ट स्नेक की बात करें तो ये भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो है वो रहता है एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर बट स्टिल दिज ऑर्गेनिज्म दीज फ्लोराज एंड दिज फोनाज आर एबल टू सरवाइव फॉर अ सिंपल एंड अ सिंपल रीज़न के देयर बॉडी हैज़ डिसाइडेड टू अडेप्ट विद द इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर इनकी बॉडी ना ये अडाप्ट करती तो डेफिनेटली ये मर जाते और एक्सटिंक्शन हो सकती तीन स्पीशीज़ की तो अडाप्टेसन जो है वो बॉडी करती है और वो अडेप्टशन के काफ़ी जो है मेथड्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जैसे आपने जराफ को ज़रूर देखा होगा अगर असली में नहीं देखा तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं टीवी में या नेशनल जोग्राफिकल चैनल में इसके बारे में देखा होगा तो जो जराफ होता है इसकी नेक बहुत बड़ी हो जाती है लॉन्ग नेक होती है ऑल्दो तो ये हॉर्स स्पीशीज़ uh, के अंदर ही हम इसको कंसिडर करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है ये स्पीशीज़ क्योंकि इसकी नेक बहुत बड़ी हो जाती है ये नेक बड़ी होने का मेन रीजन ये है कि uh, क्योंकि इसका जो कॉम्पटिशन था वो जेबरा के साथ कॉम्पटिशन था या और गोट कम्युनिटी के साथ कॉम्पटिशन था वैन इट कम्स टू शेयरिंग ऑफ द यू नो फॉर्डर तो ये इतना इफेक्टिव नहीं था ये इन टर्म्स ऑफ दैट तो फिर इ, मतलब धीरे धीरे करके इसकी नेक बड़ी होती गई सो दैट इट कैन कंज्यूम द ट्री कॉम्पोनेंट ऑफ इट तो ये टॉप जो होती हैं हमारे प्ला लीव्स होती हैं उनको कंज्यूम कर लेता है और जो नीचे वाली हैं वो जो बाकी जेबरा और अदर हॉर्स जो गोट्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा ये प्रेडेटर्स का ट्रैक भी दूर से जो है रख सकता है तो अगेन अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यनिकेशन कर सकता है जिराफ़ विद यू नो डिफरेंट जिराफ्स एंड ऑल्सो है ना दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रनिंग एट अ फास्टर स्पीड्स तो ये जिराफ की अडेप्टेशन है अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली जराफ इज गोइंग टू तो गेट एक्सटिंक्ट सिमिलरली अगर हम बात करें कैंगू रैट की ये डेजर्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है और इसने अपनी बॉडी में ऐसी अडेप्टशन की है कि जो ये सीड को कंज्यूम करता है उस सीड में से मैक्सिमम वाटर जो है वो अपनी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब कर लेता है इसके अलावा ये जो यूरिन है इसका जो यूरिन है उसको ये बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड रिलीज़ करता है मतलब जितना भी ज़्यादा जितने भी इसके जो बॉडी के अंदर इसके वो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि पानी कम से कम जो है वो जा सके तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारा कैंगू रैट है ये सर्वाइव करता है अडेप्ट करके सिमिलर गोज विद द डेजर्ट कैमल तो कैमल के अंदर हम होता है आपको पता है उसमें पानी जो है स्टोर करता है और अपनी स्किन अपनी फ्लैश को ऑक्सीडेशन करके ये वाटर जो है जनरेट कर सकते हैं ये सारी अडेप्टशन के मेथड्स हैं अगर हम ब्रॉडली uh, देखें अडेप्टन के अंदर तो अडेप्टन दो टाइप की हो सकती हैं एक बिहेवियरल अडाप्टन और एक स्ट्रक्चरल अडेप्टशन अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं इन सिंपल टर्म्स तो बिहेवियरल अडाप्टन इज रिलेटेड टू जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसे बिहेवियर्स एग्जाम्प्लीफाई करता है कुछ ऐसे जो है बिहेवियर्स एग्ज़म्प्लीफाई करता है जिससे वो एनवायरमेंटल में चेंजेस जो हो रही चेंजेस उसके साथ एब्ज़ॉब कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की तो जैसे साइबेरिया में बर्ड्स हैं आपके पास जब वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तो वो जो बर्ड्स होती हैं वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं एंड दे ट्राई टू कम टूवर्ड्स यू नो द वार्मर एरियाज़ लाइक ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं ऐसी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं ताकि वो उन कंडीशन में से निकल के एक सर्वाइवेबल कंडीशन में जो है वो एग्जिस्ट कर सकें तो माइग्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अडेप्टशन एंड इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिहेवियरल अडेप्टशन सिमिलरली एक बहुत इंटरेस्टिंग है ओपोसम्स जब कोई प्रिडेटर ओपोसम के पास आता है बेसिकली एक चूहा ही है ये और जब कोई जैसे प्रडेटर इसके पास आता है जैसे लेट से स्नेक इसके पास आता है तो दे स्टार्ट प्लेइंग डेड डेड का मतलब है कि दे जस्ट है ना ऐसे लगता है जैसे डेड Uh, ही हो चुका है ये चूहा तो ये जो स्टार प्लिंग डेड वाला कॉन्सेप्ट है ये भी बिहेवियरल प्रिडेशन uh, के अंदर ही हम इसको डालेंगे बिहेवियरल अडेप्टेशन uh, के अंदर ही डालेंगे सिमिलरली प्लांट ग्रोस टुवर्ड्स टू कैप्चर मोर सनलाइट है ना जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा तो जिसकी हमेशा जो जो उसका फेस होता है वो हमेशा सूरज के टुवर्ज होता है तो जहां जहाँ सूरज जाता है वहां वहां पे वो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल अडेप्टन लेकिन स्ट्रक्चरल में भी मतलब स्ट्रक्चरल अडेप्टन का बेसिक मतलब है कि बॉडी में आपने चेंजेस कर दिए हैं बिहेवियर अडेप्टन में आपने बॉडी में कोई चेंज नहीं किया आपने बिहेवियर में चेंज किया लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन की बात करते हैं तो वो आपने बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जिससे आप आ, डायर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो तो ये जो हमारा पोलर बेयर होता है इसकी फर बड़ी थिक हो जाती है ताकि इसको वार्म रखा जा सके सिमिलरली अगर हम एलेंस रूल की बात करें बड़ा इंटरेस्टिंग एलेंस रूल होता है तो सेम स्पीशीज़ है लेकिन डिफरेंट क्लाइमेट में उनके उनके फीचर्स बदल जाते हैं अगर हम बात करें ये रैबिट की तो ये रैबिट और ये रैबिट में डिफरेंस है अगर ये रैबिट की हम बात करें तो इस रैबिट के जो ईयर्स हैं ये बड़े हो चुके हैं लेकिन इस रैबिट के ईयर्स बहुत छोटे हैं ये रैबिट आपको कहाँ मिलेगा वार्म कंडीशंस के अंदर और ये रैबिट आपको कहाँ मिलेगा कोल्ड कंडीशन के अंदर उसका रीज़न क्या है कि जब आपके कान वग़ैरह बड़े हो जाते हैं तो सरफेस एरिया रैबिट बढ़ा लेता है और यहाँ पे सरफेस एरिया जो है बढ़ा लिया और यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस कर लिया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी बॉडी की एनर्जी जो होगी यानी कि बॉडी की जो हीट होगी उतनी ज़्यादा डिसिपेट होगी है ना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो इस वजह से जो बॉडी के अंदर वाली हीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगा ये रैबिट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या होगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जो बॉडी की हीट है उसी को ही यूज़ करेगा टू हीट हिमसेल्फ़ तो इस वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ एबल टू सर्वाइव इन सच कोल्ड कंडीशन बिकॉज इट इज़ यूजिंग द हीट ऑफ द बॉडी आई होप आपको समझ में आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड द एलेलन्स रूल इसको बोलते हैं हम एलन्स रूल और एलन्स रूल के अंडर जो भी कोल्ड कंडीशन होती हैं उसके अंदर कान वग़ैरह छोटे हो जाते हैं आइज़ छोटी हो जाती है नोज छोटा हो जाता है और जो भी हमारा सेम uh, स्पीशीज़ जो है वो हमारी uh, उस जब हम डेजर्ट कंडीशंस या फिर हम हॉट कंडीशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें बढ़ जाती है बिकॉज़ ये सरफेस एरिया इनक्रीज़ करने का एक मेथड होता है तो ये था अडेप्टन के ऊपर आज का टॉपिक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अडेप्टेसन वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ uh, मैं ये बोलूँगा कि आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा थैंक यू एवरीबडी अ नाइस डे